Hi guys, welcome everyone. This is Avinash Tiwari, student at National Law University, Lucknow. So guys, result Clat ka aa chuka hai. Ranks Clat ki aapko mil chuki hongi. Turant jaake Clat consortium ki website pe agar aapne nahi dekha hai, to jaake wahan se check out kar sakte hain. Abhi is video mein hum log janne wale hain ki Clat ki ranks to aa gayi hain, but student ke bahut sare mere paas questions aa rahe hain ki un ranks se hame kaun se colleges milne wale hain. आखिर जो रैंक्स आपको मिल रही हैं उससे आप कौन सा एनएलयूज में लैंड अप करेंगे. कुछ वर्जी रैंक है, कुछ की थोड़ी सी मीडियम है, कुछ की डाउन है, कुछ का थोड़ा सा और फार हो गया है रैंक से. तो अभी हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर क्या क्या है, बट बिफोर दैट थोड़ा सा हम लोग आइडिया दे देते हैं आपको. अब की बार कट ऑफ अ बिट हाई साइड गया है. जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था, अराउंड 5-10% का इंक्रीज तो कहीं नहीं आ रहा. और वही हम लोगों ने देखा कि अराउंड बैंगलोर का भी मैंने देखा 5-10% का इंक्रीज हुआ है. अराउंड 104-105 के आसपास आप देख सकते हैं एनलेस बैंगलोर का कट ऑफ. पेपर थोड़ा सा बिट ऑन इजी साइड था, ऑफकोर्स लेंदी था, बट स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग फॉर एन ईयर, तो इस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ हाई साइड गया है. मोस्टली इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है एज अ सेटिस्फेक्शन के लिए स्टूडेंट्स के लिए निकाल लेते हैं, और स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करने के चक्कर जो कट ऑफ रैंक बता देते हैं वो थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, कट ऑफ स्कोर भी डाउन कर देते हैं. बट एक्चुअली में रियलिटी अब आपको पता चली, ये है क्लैट की और ये है कट ऑफ, तो थोड़ा सा अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. तो गाइस, आपके लॉग इन पोर्टल पे आपके सारी डिटेल्स आ रही होंगी. अब वहां पे आपको रैंक मिल गई होगी, आप लॉक का ऑप्शन कर सकते हैं, आप ग्रेड का ऑप्शन कर सकते हैं, और ये सब ऑप्शन कर सकते हैं. तो गाइस, अगर आपने अभी लॉग इन करके देखा होगा तो आपको लॉक और अपग्रेड दोनों का ऑप्शन आ रहा होगा. तो लॉक ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि आपको यही से सब चीजें पसंद है, जो है उसी को पसंद है, वहां पे आप फीस पेमेंट कर देंगे, उसी कॉलेज में आप लैंड अप कर जाएंगे. वेल, अपग्रेड का ऑप्शन ये होता है कि अपग्रेड में आपका कॉलेजेस अपग्रेड होते हैं. अभी हम इस कॉलेज से फिट नहीं है, मुझे कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है, शायद मेरा अपग्रेडेशन होगा. और मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को अपग्रेड में जाना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस वो उनका ड्रीम कॉलेज रहा हो या फिर उनके क्लोज बाय है या वो ज्यादा प्रिफर करते हैं. तो गाइस, अब की बात जो इनविटेशन है वो अराउंड 5 times स्टूडेंट्स को मिल रहा है, मतलब ये एटलीस्ट आज तक कभी नहीं हुआ है. सो जैसे अराउंड 1300 के आसपास सीट है, 1300-1400 के आसपास क्लैट की सीट्स हैं, तो इनटू 5 मींस आप समझ लीजिए आई थिंक 6500 के आसपास आपको सीट मिल जाएगी. 6500 के आसपास लोगों को कॉल लेटर आएगा, तो कॉल लेटर समझिए कि कॉलिंग आएगी, उसके बाद फिर प्रेफरेंस और सब चीज़ों के बाद आपको कॉलेज मिलेगा. बट 50K आपको लॉक करना पड़ेगा फॉर द काउंसलिंग पर्पस. काउंसलिंग पर्पस के लिए आप 50K लॉक कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा बिकॉज. सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, इस तरह का अमेजिंग कंटेंट क्लैट का आता रहेगा इसी चैनल पे. स्ट्रेटजी वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं इस अलॉफ्ट यूट्यूब चैनल पे, सो हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे करते रहते हैं. एंड आई हैव वन थिंग टू से, अगर आपको कोई कोचिंग करनी है, अन अकेडमी एक बहुत ही अच्छा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, यू कैन टेक एन अकेडमी. क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे कहीं आप घर पे आप किसी भी सिटी में रहते हैं, NLU एल्यूमिनस यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं, सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग. रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ. और अब तो रेस हैंड का ऑप्शन है, आपको अनलिमिटेड क्विजेस मिलेंगी, नेशनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, और एवरी वीक कोई ना कोई NLU के टॉपर्स या NLU की स्ट्रेटजी वीडियोस भी आप लोग को मिलते रहेंगे. सो गाइस, 20 जुलाई से 1 year का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चालू हुआ है, नाम है Acquit, डोंट क्विट, दैट्स एन अमेजिंग बैच, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. सो गाइस, जस्ट जस्टिस एक बैच है क्लैट 2023 के लिए, सो आप यू कैन ज्वाइन दिस बैच. सब्सक्रिप्शन को बढ़ा दिया गया, अगर आप क्लैट के 12 मंथ्स का पैकेज देते हैं तो 2 months एक्स्ट्रा मिलने वाला है. सो गाइस, ये सब चीजें एक चाय और समोसे के दाम से कम में भी आपको मिल सकता है. अपनी अपॉर्चुनिटी को सेट करने के लिए, अपनी लाइफ को आगे अच्छा करने के लिए, चाय और समोसा के दाम पे यू कैन ज्वाइन दिस एन अकेडमी ऑनलाइन कोचिंग. और अगर अलॉफ्ट का कोड लगा दिया तो मे बी आपको सिर्फ एक चाय के दाम पे मिल जाएगी. सो गाइस, क्लैट 2021 का एनालिसिस वीडियो भी आ चुका है, आप उसे एनालिसिस वीडियो को देख सकते हैं. वीकली टेस्ट होते रहते हैं, अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, वीकली T20 टेस्ट, इस तरह की सीरीज टेस्ट चलते रहते हैं. सो यू कैन गो एंड फ्री, जाके फ्री में आप इन टेस्ट को देख सकते हैं. एट दी एंड मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अनअकैडमी क्लैट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ये अनअकैडमी क्लैट चैनल बहुत ही अमेजिंग चैनल है, इस पर आपको स्ट्रेटजी वीडियोस तो आते रहते हैं. आई एम एन एजुकेटेड एट अनअकैडमी, सो आप अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लासेस में एंटर कर सकते हैं एवरी डे एट 7 in the evening. जस्ट सर्च अविनाश तिवारी. इफ देयर इज स्लाइट चांस कि आप NLU में एंटर कर सकते हैं, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग. सो ऐसा बाद में ना कहने को हो कि हमने 50K नहीं जमा करा, अदरवाइज मुझे ये NLU मिल जाता. बिकॉज रियलिटी क्या है, वेकेंट सीट्स आती है NLU में, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं. लास्ट काउंसलिंग तक आपको कुछ भी मिल सकता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ NLUs को छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं. सो वहां पे आपके पास तब भी ऑप्शन है. तो गाइस, सेकंड काउंसलिंग सेशन भी होगा, सेकंड अलॉटमेंट भी होगा, उसके बाद थर्ड अलॉटमेंट होगा. आई थिंक टोटल 5 अलॉटमेंट्स होने वाले हैं, तो कुछ ना एक अच्छा कॉलेज आपको मिलने की बहुत प्रोबेबिलिटी है अगर आप
अराउंड 3000 के रैंक तक है, तो शायद वेकेंट सीट तक तो आपको अच्छे से मिल जाना चाहिए, बट अप्लाई करना किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज ये 50K जो भी सबमिट होगा वो आपको फुली रिफंड हो जाएगा एट द एंड ऑफ द सेशन। अगर आप बीच में एग्जिट का भी ऑप्शन है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस चीज को, एग्जिट कर देते हैं, तो आप काउंसलिंग पार्ट का हिस्सा ही नहीं बन पाएंगे। एग्जिट अगर आपने 50K सबमिट करके एग्जिट करा तो आपको 10K माइनस हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 10,000 रुपीज माइनस हो जाएगा अगर आपने फीस सबमिट कर दी, बाद में आपने अपनी तरफ से वॉलंटियरली चीजों को रिफ्यूज कर दिया, एग्जिट कर दिया, ताकि वो फीस भी जा सके। सो गाइस, दिस इज व्हाट आई थिंक, जो मुझे लगता है कि क्लैट के कट ऑफ क्या होने वाले हैं, एनएलयू से कट ऑफ क्या होने वाले हैं, और मैं उसके रीजंस को भी जस्टिफाई करना चाहूंगा। सो गाइस, सबसे पहले द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉलेज, द नंबर वन कॉलेज, नीमरो एनएलएस बैंगलोर। एनएलएस बैंगलोर का मैंने बताया इस बार कट ऑफ एमिट हाई साइड गया, अराउंड 104.5 के आसपास इसका कट ऑफ जाने वाला है। तो आप अगर आपके इस रेंज में हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको प्लस बैंगलोर मिल सकते हैं अराउंड 97 या 95 तक, अगर आप पहुंच पा रहे हैं, ये थोड़ा सा आई थिंक 90-95 तक क्लोज होना हो जाना चाहिए, तो एनएलएस बैंगलोर इस बार इसी के आसपास क्लोज हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो लीव कर देते हैं कॉलेज को, या तो एनयू दिल्ली चले आते हैं, नालसाल चले आते हैं, बिकॉज बहुत ही दोनों अच्छे कॉलेज है, तो अपने साथ स्टूडेंट्स बहुत सारे कॉलेजेस को चूज कर लेते हैं, इस वजह से वैकेंसी आती है और अपग्रेडेशन होता है हर अलॉटमेंट पे। तो अगर आपने चीजों को रिसीव वर्क करा तो आपका भी अलॉटमेंट में आगे नाम होगा, अपग्रेड होगा किसी भी एनएलयू में है। तो वैसे एनएलएस बैंगलोर में टोटल 70 सीट्स हैं, बट अपग्रेडेशन 90 तक क्यों जाता है, इसका रीजन ये है कि अपग्रेडेशन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लीव कर देते हैं एनएलयू दिल्ली के लिए, नालसार के लिए, दैट्स व्हाई अपग्रेडेशन होता है। एनएलएस बैंगलोर इंडिया का टॉप कॉलेज है, हमेशा से ही टॉप रहा है। तो गाइस, हम लोग हर कॉलेज के वाइज से नहीं डिस्कस करने वाले, बट हम लोग टॉप 5 एनएलयू का थोड़ा देखेंगे, टॉप 5, टॉप 10, फिर एनी एनएलयू क्या रैंक के हिसाब से देखेंगे, बिकॉज आगे आगे चलते जाएंगे तो सबसे 1.25 स्कोर पे बहुत ज्यादा डिफरेंस होने लगता है। सो आगे थोड़ा सा वैरी करेगा, बिल्कुल वैरी करेगा, बट ऑफकोर्स एनएलएस बैंगलोर नालसार तक वैरी नहीं करता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपको टॉप 5 कॉलेज, टॉप 5 एनएलयू चाहिए तो आपके आसपास कितनी रैंक होनी चाहिए। तो गाइस, आप टॉप 5 एनएलयू 480 से लेके 500 रैंक तक एक्सपेक्ट कर सकते, और अगर आपका स्कोर 90 प्लस है तो मोस्ट प्रोबेबली 90-91 के स्कोर के आसपास है, तो आपको टॉप 5 कॉलेजेस मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे टॉप 10 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की, जिसमें बहुत सारे कॉलेज आते हैं, जिसमें आपका आरएमएलएनएलयू आता है, एचएनएलयू आता है, बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। तो अगर टॉप 10 की बात करेंगे, अगर उसमें चाहिए तो अराउंड 85-86 का टारगेट हम लोग बना के रखेंगे। अगर 85-86 का स्कोर आपका आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगा, और 1000 के आसपास अगर आएंगे, और 1000 के आसपास अगर रैंक है तो आपको ये टॉप 10 नेशनल यूनिवर्सिटी मिल सकती है। तो देख ले, टॉप 10 बहुत सारे लोग का ड्रीम होता है। तो भाई, इसके बाद जो यूनिवर्सिटीज आती है टॉप 10 की, वो थोड़ा सा ऑल जो है बहुत कन्फ्यूजन है सब यूनिवर्सिटी में, कौन बेस्ट है, कौन क्या है, तो उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, उसको तो आप अपनी लोकेशन और चीजों को देख के आप डिसाइड कर सकते हो। तो गाइस, एनी एनएलयू, मतलब किसी भी एनएलयू में लास्ट में एंटर करने के लिए अराउंड 2500 के आसपास रैंक एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या, नहीं बाद में जा सकता है, वो वेकेंट सीट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपकी एटलीस्ट इतनी रैंक होगी तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल सकता है किसी न किसी अलॉटमेंट में, अगर 2500 तक की आपकी रैंक है। सो ये चांस आप नहीं छोड़ सकते। अराउंड 81 का स्कोर, 80-81 का स्कोर अगर है, और अगर 2500 के आसपास रैंक है, सो यू कैन गेट एनी एनएलयू। सो ये चांस हम लोग को नहीं छोड़ना चाहिए, हम सब लोग को, जो स्टूडेंट को अगर मन है वो ट्राई करना चाहते हैं, तो 50K करके लॉक करके हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ सकते हैं। सो आई होप बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व कर दी, दिस इज व्हाट आई थिंक द कट ऑफ शुड बी फॉर दीज कॉलेजेस। सो थैंक यू गाइज, इफ यू लव दिस वीडियो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड बाय बाय।